का, और उसके बाद इनफैक्ट शुरू भी करेंगे उसको। आज सचिन लेकर आए हैं सस्ता ऑप्शन। कविता जी से आज FNS सुपरस्टार का ट्रेड लेंगे हम। चंदन चाट का चमत्कार लेकर आए हैं, और हिमांग जाने से मिट गया फंडा। तो ये चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए। इनफैक्ट 9:40 हो चुका है, तो चलिए शुरुआत कर ही लेते हैं। चंदन सॉरी सचिन, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर जो मूव सस्टेनेबल लग रहे हैं वो सीमेंट में ही नजर आ रहे हैं। वहां पर हमने भी हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक रिकमेंडेशन दी है। खरीदना है ग्रासिम का 2100 का कॉल ऑप्शन। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछला दो सीरीज से 2100 से लेके 2050 के रेंज में इसने एक अच्छा ऑस्किलेशन ट्रेंड दिखाया था, एंड उस ट्रेंड को इसने एक गैप अप के साथ ब्रेक कर दिया। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी रैली यहाँ पर बिल्टअप होनी चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल पोजिशनिंग है, ये फिलहाल अराउंड 71 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 60 पे लगाए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 96 का, बट पोजिशन ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 128 तक की एक रैली बन सकती है अगले कुछ दिनों में। तो खरीदारी करनी है ग्रासिम का 2100 का कॉल ऑप्शन। का 2100 कॉल ऑप्शन। कविता जी, FNO सुपरस्टार। या सो PSU में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। कोल इंडिया इज लुकिंग गुड टू मी। 396 के लेवल पर है, 399 400 तक के लेवल्स की तरफ कोल इंडिया कैन मूव। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 392 का। ओके, कोल इंडिया PSU एक बार फिर से आपके जहन में आती हुई, 396 ऑलमोस्ट 400 के स्ट्राइक करता हुआ। चंदन, आपका चार्ट के चमत्कार क्या पिक करेंगे? बिल्कुल, देखिए मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा होटल पे, इंडियन होटल, यानी कि मेरा मानना है कि ये इंडस्ट्री परफॉर्म करती हुई नजर आएगी कहीं ना कहीं, और पीछे कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम मोस्ट ऑफ द होटल्स में देखने को मिल रहा है। तो मैं FNO से इंडियन होटल पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। रोल ओवर्स अच्छे हैं, सेटअप काफी पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इंडियन होटल पे खरीदारी की सलाह। सपोर्ट रहेगा 472 के आसपास का, ऊपर भी 500 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, इंडियन होटल्स आपका चॉइस, 482 याद रखिएगा। क्लोजिंग प्रोस्पेक्टिव इसका जो हाई है वो है अब तक का 481, दैट मीन्स ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे फ्लोट करता हुआ इस वक्त है। हिमांग जी, आज का आपका मिड कैप फंडा। मेरा मिड कैप पिक रहेगा MOIL मोइल। उसकी प्राइस है लगभग 343 और इसका प्राइस टारगेट रहेगा 390 रुपीज। तो जैसा हम देख रहे हैं कि PSU में एक अच्छा मोमेंटम बरकरार है। दूसरा, इसके जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन और प्राइसिंग के डेटा अगर आप देखें तो इसमें लगातार लगभग 25-30% की ग्रोथ देख रहे हैं YOY। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो EV रिलेटेड भी जो बातें है वहां पे, मैंने एक रिसेंट कॉन्फॉर्म में बताया था कि वो वहां पे भी एक काम नया शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक में पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए। प्राइस टारगेट 390। ओके, चलिए बा ये समय की चार ट्रेड्स रिकैप करते हैं एक बार, चारों के चारों ट्रेड्स। सचिन ने सबसे पहले ग्रासिम का 2100 का कॉल ऑप्शन लिया, 60 रुपीज़ के स्टॉप लॉस, 96 और 128 के टारगेट्स। कविता जी पिक रही कोल इंडिया, यहाँ पर 392 के स्टॉप लॉसेस और 400 रुपये के टारगेट्स रहेंगे आपके लिए। चंदन तपारिया ने पिक किया इंडियन होटल्स, 472 के स्टॉप, 500 के टारगेट। और मॉइल ये है हिमांग जानी की पिक, यहाँ पर 390 के टारगेट्स के साथ 188 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर। और आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अदानी एंटरप्राइजेस, शानदार मोमेंटम। अच्छा, एक और सेट ऑफ स्टॉक्स जहां पर अब इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। देखिए, क्रूड चल रहा है उसके बावजूद HPCL चल रहा है, क्यों? अगेन सेम थ्योरी, लास्ट टाइम भी जब ये NDA की विक्ट्री की बात हुई थी तो उसमें ये हुआ था कि OMC स्टॉक्स शायद चलेंगे, और HPCL एक अच्छा मोमेंटम इस समय यहाँ पर इस स्टॉक में।